ओके, गुड आफ्टरनून। दीपक शर्मा, सपना माथुर, लक्ष्मण कुमार, शिल्पा कुमारी, गुड आफ्टरनून। नीतीश कुमार पाठक, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन, सो आई एम स्टार्टिंग द क्लास। गुड आफ्टरनून गुड्डू, धनबाद से हैं ये। तो जो भी चैट भेजना क्वेरी आप ध्रुव सर वाले पे भेजो। सैमुल खाल को, अंजनी यादव, आप ध्रुव सर वाले पे भेजो। गुड आफ्टरनून। चलिए ठीक है, हम लोग कर रहे थे पिछली क्लास में बोट एंड स्ट्रीम वाला क्वेश्चन, तो एक दो बचा हुआ वो करके फिर आगे करेंगे। ये क्वेश्चन है, पहले आप ये कर लें फटाफट। ये क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट करें इसको। ओके, हर्षिता सैनी। अच्छा, ये होमवर्क का क्वेश्चन था। ओके हर्षिता सैनी, आपका आंसर गलत है। मैंने आंसर तो बताया था इसको, मुझे लगता है आंसर तो बताया था मैंने। जहां तक मुझे याद है इसका आंसर बताया था। ओके मैंने इसका बताया था आंसर 8 किलोमीटर पर आवर। किसी को पूछना है ये, किसी को पूछना है तो मैं बताऊं, किसी को पूछना है ये क्वेश्चन तो मैं बताऊं, एनीवन। अच्छा पूछना है फैजल। ओके ओके मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं, बता रहा हूं। ओके बता रहा हूं, देखें आप इसमें कैसे करते हैं। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर नाव से 10 घंटे में तय करता है, ये दिया हुआ है। और वह धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर एवं धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर 13 घंटे में नाव से तय करता है। नाव की चाल शांत जल में बताएं, ये क्वेश्चन है। तो शांत जल के लिए आपको याद है कि डी प्लस यू बाई टू, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टू करते हैं, तो शांत जल में हमारा आ जाता है नाव की चाल। लेकिन आपको डी और यू निकालना पड़ेगा। तो जैसे पहला कंडीशन है धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो अगर यू मानते हैं प्रतिकूल स्पीड है और डी मानते हैं कि अनुकूल स्पीड है, तो लिख सकते हैं उसको 30/u प्लस 44/d, यही टाइम है, इक्वल टू 10। ये पहला हमारा इक्वेशन होगा। और फिर है धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, तो 40/u, और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर, ठीक है, बाय डी, ये कितना है 13 आवर। अब फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करके डी एंड यू निकल सकता है, फिर आपका आंसर डी प्लस यू बाई टू आ सकता है, फिर आपका आंसर डी प्लस यू बाई टू आ सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालें, देखो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40 है, 30 और 40 का एलसीएम क्या होता है 120। इस 30 को 120 बनाने के लिए फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 40 को 120 बनाने के लिए सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि यू कैंसिल हो जाए तो डी निकल जाएगा, और फिर डी की वैल्यू फर्स्ट या सेकेंड में पुट करते हैं तो यू आ जाएगा। तो वही करते हैं, देखें और मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 120/u, 44 इंटू 4 कितना आ जाएगा 176/d,
10 इंटू 4 40, 40 इंटू 3 120 बाय यू, 55 इंटू 3 165 बाय डी एंड 13 इंटू 3 39। माइनस कर लें, आंसर आ जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये तो कट जाएगा। अब 176 में 165 माइनस करोगे तो 11, 11 बटे डी, और 40 में 39 माइनस करोगे तो 1 आएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी 11 आ गया। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब अनुकूल जो स्पीड आया 11 किलोमीटर पर आवर, और किसी में फर्स्ट में पुट कर दो या सेकंड में, यू आ जाएगा। मान लो हम फर्स्ट में पुट करते हैं, तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो 30 बाई यू है, और फर्स्ट में क्या है 44 बाई डी है, तो 44 बाई 11 इक्वल टू 10, ये 11 से कटेगा तो 4, तो ये आया हमारे पास 30 बाई यू इक्वल टू 10 माइनस 4 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6 यू इक्वल टू 30, यू कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा आंसर क्या होगा, तो जो रिक्वायर्ड आंसर हमारा है वो है ये डी प्लस यू बाई टू, शांत जल में स्पीड दे देगा ये, तो 11 प्लस 5 बटे 2 और आंसर क्या आएगा 8 किलोमीटर पर आवर। आंसर क्या आएगा 8 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर आएगा। तो शुरू से देख लो, पहले जो क्वेश्चन है कंडीशन था उससे हमारे पास दो इक्वेशन आया, 30 बाई यू प्लस 44 बाई डी इक्वल टू 10। 30 बाई यू ऑब्वियसली डिस्टेंस बाई स्पीड हमें क्या देता है, तो टाइम देता है, और उसी तरह 44 बाई डी हमारा टाइम देगा इक्वल टू 10। यू क्या है नदी के प्रतिकूल स्पीड, डी क्या है नदी के अनुकूल स्पीड। सेकंड कंडीशन उसी तरह 40 बाई यू प्लस 55 बाई डी इक्वल टू 13। मैंने बोला कि 30 एंड 40 का एलसीएम 120 है, दोनों को 120 बना दो, तो पहले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दूसरे को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखा यहाँ पे, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यू कट गया, डी निकाल लिया 11 आया किलोमीटर पर आवर, और फिर डी की वैल्यू 11 हमने फर्स्ट में डाल दिया, फर्स्ट में डाल दिया तो यू हमारा 5 किलोमीटर पर आवर आया। तो आंसर हमारा डी प्लस यू बाई टू, यही शांत जल में हमारा स्पीड देता है, 11 प्लस 5 बाई टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, मयंक मनोहर उससे ही बनेगा लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैंने डी और यू लेके बनाया है, उससे ही बनेगा लेकिन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करना है, जैसे बताया वैसे ही करना। ठीक है, सब लोग लिख लें। डॉली कुमारी तुम लेट ज्वाइन क्यों लग रहा है, स्टार्ट से ये रहा क्वेश्चन, लो देखो। देखो डॉली, दीपक सबने बताया था भाई क्यों मल्टीप्लाई करना है। यस रोहित कुमार रंजन, उससे भी बनेगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा। दीपक शर्मा, 4 और 3 से क्यों मल्टीप्लाई किए बताया मैंने ना, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, देखो ये 30 है ये 40 है, 30 और 40 का एलसीएम 120 होता है, तो दोनों को 120 करोगे तभी तो कैंसिल कर पाओगे, तो 30 को 120 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 40 को 120 करने से 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
ठीक है, अब मैं नया चीज सिखा रहा हूं, लास्ट बचा है इसमें रेस, लिखे आप दौर, दौर दौर ठीक है। इसमें क्या है, कुछ टर्म जानना पड़ेगा, कुछ टर्म जानना पड़ेगा। अरे विकास मोदी इक्वेशन कैसे बनाया बता दीजिए, बताया तो, बताया तो विष्णु दयाल कुमार अभी आप ज्वाइन कर रहे हैं, बताया तो था अभी भाई, ये इक्वेशन कैसे बनाया बता दीजिए भाई। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है, यही दिया है ना। तो धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, तो 30 को यू से प्रतिकूल स्पीड से डिवाइड करो तो टाइम आ जाएगा, और अनुकूल 44 से उसको डी से डिवाइड करो, डी अनुकूल स्पीड है तो 10 आवर्स आया। उसी तरह दूसरा कंडीशन है धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर 13 घंटे में, देखो यहाँ पे 40 बटे यू 55 बटे डी 13 आ गया। बाकी तो सॉल्व किया है मैंने, बाकी तो सॉल्व किया है ठीक है। अब मैं बता रहा था रेस दौर, जो दौर में जानना है वो ये है कि कोई 100 मीटर दौड़ता है, 200 मीटर दौड़ता है या 400 मीटर दौड़ता है, उसका क्वेश्चन कैसे बनाते हैं ठीक है। तो उसका क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ टर्म तुमको जानना पड़ेगा, वो टर्म क्या है वो मैं बता रहा हूं। जैसे सबसे पहला जानो कि रेस कोर्स किसको बोलते हैं, रेस कोर्स जहां पे दौड़ का प्रतिस्पर्धा होता है, कॉम्पिटिशन होता है, जिस कोर्स पे जहां पे धावक दौड़ते हैं, रनर दौड़ते हैं, उसको हम रेस कोर्स बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर दौड़ेगा तो ये रेस कोर्स है, रेस कोर्स है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है शुरू वाला, और ये फिनिश पॉइंट होता है, फिनिशिंग पॉइंट जहां पे खत्म, स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टार्ट एंड स्टॉप। अब दूसरा टर्म इसमें जानना है डेड हीट किसको बोलते हैं, डेड हीट, डेड हीट का मतलब होता है कि मान लो दो रनर है ए और बी, वो रेस दौड़ना शुरू करता है और दोनों एक ही साथ फिनिश पॉइंट पे, स्टॉप पॉइंट पे एक ही साथ पहुंचता है तो कोई नहीं जीता। तो जिस रेस में कोई नहीं जीते तो बोलते हैं कि रेस डेड हीट में समाप्त हुआ, क्या बोलते हैं, रेस डेड हीट में समाप्त हुआ। इसका मतलब नो वन विंस, नो वन विंस, कोई नहीं जीता, तो बोलते हैं रेस एंड इन डेड हीट, रेस समाप्त हुआ डेड हीट में, जब कोई नहीं जीते तो बोलते हैं कि डेड हीट में रेस समाप्त हुआ है ठीक है। अब अगला टर्म है, लिखते जाना टर्म, कुछ टर्म जानना है, ए बीट्स बी, ए बीट्स बी By 10 मीटर, और रेस है इन अ रेस ऑफ 200 मीटर। तो इसका मतलब है कि 200 मीटर का रेस कोर्स है, ए जब पहुंच गया फिनिश पॉइंट पे तो उससे 10 मीटर पीछे कौन है, बी है, तो मतलब ए बी को जो मात दिया है 10 मीटर में, ए ने बी को हराया है 10 मीटर से, या ए ने बी को मात दिया है 10 मीटर से ठीक है। हर्षिता सैनी डेड हीट को हिंदी में डेड हीट ही बोलते हैं ठीक है। और बीट्स तो जानते ही हो, हरा देना, बीट्स मतलब हरा देना, डेड हीट को हिंदी में भी डेड हीट ही बोला करते हैं ठीक है। अब है दूसरा, ए बीट्स बी बाय 2 सेकेंड, ए बीट्स बी बाय 2 सेकेंड इन ए रेस ऑफ, इन ए रेस ऑफ 200 मीटर, मतलब 200 मीटर के रेस में, दौर में ए ने बी को हराया 2 सेकेंड से। तो इसका मतलब यह है कि रेस है, ए पहुंच गया फिनिश पॉइंट पे तो आफ्टर
2 सेकेंड बी पहुंचेगा, 2 सेकेंड के बाद बी पहुंचेगा। इसी को बोलते हैं कि ए बीट्स बी बाय 2 सेकेंड, ए बी को हराया 2 सेकेंड से, ठीक है, समझ गए। अब इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के तौर पे लो, किसी रेस में दौड़ में ए बी को 10 मीटर या 2 सेकेंड से मात देता है, ए और बी द्वारा रेस दौड़ने में कितना समय, ए और बी द्वारा रेस दौड़ने में कितना समय इंडिविजुअली लगेगा। ये क्वेश्चन है, किसी दौर में ए बी को 10 मीटर या 2 सेकेंड से मात देता है, ए और बी द्वारा रेस दौड़ने में कितना समय इंडिविजुअली लगेगा, मतलब अलग अलग लगेगा, सेपरेटली लगेगा। ये आप लोग कोशिश करो बनाने का, इसको गलत या सही कुछ भी बनाओ इसको। या इसको लिख देता हूं मैं, इंडिविजुअली रहने दो, ठीक है, इंडिविजुअली, यही ठीक है। तो किसी दौर में वेट, थोड़ा वाईफाई का प्रॉब्लम है, क्वेश्चन तो आप देख ही लिए हैं, बनाए आप। रोहित कुमार रंजन, ए और बी दोनों का निकालना है, सब लोग आंसर बताएं इसका।
नहीं नहीं रोहित, नहीं, अरे मयंक मनोहर, ये पिछले से ही रिलेटेड था। आप, मैं लिख देता हूं यहां साइड में, 200 मीटर का रेस कोर्स है, रेस कोर्स है। चलो ठीक है, किसी दौर में ए बी को 10 मीटर या 2 सेकंड से मात देता है। ए और बी द्वारा रेस दौड़ने में कितना समय इंडिविजुअली लगेगा? 200 मीटर का रेस कोर्स है। पूजा कुमारी, ओके, आप देख लो पिछला स्लाइड, यहां से स्टार्ट किया था मैंने। आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लें पूजा कुमारी। अमित कुमार, तुम्हारा सही नहीं है। नहीं, अभिषेक कुमार तुम्हारा सही है। राजीव रंजन तुम्हारा नहीं है, उड़ाओ, थोड़ा सा गड़बड़ की हो जा। देखो राजीव रंजन, तुझे थोड़ा सा गलती हो गया है। गुलाम मुर्तजा, 2 आंसर बताना है, ए और बी दोनों का बताना है। हर्षित्या आ रहा है, आ रहा है, चैट आ रहा है, आप डालो। अरे ध्रुव सर वाले में चैट में डालो। हर्षित्या, 40 सेकंड किसका, ए का या बी का? 2 आंसर होगा ना, कितना समय इंडिविजुअली लगेगा? ए का, ए का गलत है। गुलाम मुर्तजा नहीं, लक्ष्मण कुमार नहीं, प्रमोद भाई क्या बता रहे हो तुम? कभी कभी क्लास आते हो, रेगुलरली क्लास नहीं आ रहे हो प्रमोद, रेगुलरली क्लास प्रमोद नहीं आते हो तो समझ में नहीं आएगा, क्लास में कंटिन्यूटी होना चाहिए। चलिए स्टॉप, इसका आंसर मैं बता दूं, ए का 38 सेकेंड, बी का 40 सेकेंड। आई रिपीट, ए का 38 सेकेंड और बी का 40 सेकेंड। कैसे, देखो देखो, 200 मीटर का रेस कोर्स है, ए पहुंचा और वो बी को हराता है 10 मीटर से, बी पीछे है। और दूसरा ये भी दिया हूं मैं कि ए के पहुंचने के 2 सेकेंड के बाद बी पहुंचता, ये भी है ना, ये भी है। तो इसका मतलब ये है कि बी ये 10 मीटर जो है वो दौड़ता है 2 सेकेंड में, तो इससे क्या होगा, इससे बी का स्पीड आ जाएगा। स्पीड ऑफ बी क्या होगा बताओ? 10/2 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। तो बी को दौड़ने में कितना समय लगेगा? टाइम टेकन बाय बी, 200 को 5 से डिवाइड करो और ये आएगा 40 सेकेंड। कितना आएगा? 40 सेकेंड बी को लगा। ए को तो 2 सेकेंड बी से कम लगता है ना, तो टाइम टेकन बाय ए 40 - 2 38 सेकेंड, क्योंकि ए बी को 2 सेकेंड से हराता है, इसीलिए ये दोनों आंसर है, ए को 38 सेकेंड, बी को 40 सेकेंड।
अच्छा डिस्टर्ब हो रहा था कुछ टाइम से। क्या डिस्टर्ब हो गया भैया प्रमोद? सब लिखो फटाफट। विकास मोदी, मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, 200 मीटर का रेस कोर्स है। चलिए कुछ और टर्म सीखें आप। इन अ रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। ये क्वेश्चन में रहता है कि एक दौर में ए बी को 20 मीटर का बढ़त, बढ़त इसको लिखो, स्टार्ट का मतलब हुआ शुरुआती, शुरुआत में ही 20 मीटर दे देना। तो इन ए रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, मतलब शुरुआत, शुरू में ही शुरुआत दे देना। अच्छा एक मिनट एक मिनट, वेट वेट, स्क्रीन दिख जाएगा अभी, थोड़ा सा वाईफाई प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। श्रेया वेट करो, श्रेया वेट करो। ठीक है देखो, इसको मैंने बोला इन ए रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, शुरुआत दे देना। इसका मतलब होता है कि बी 20 मीटर दौड़ चुका है तब ए दौड़ना शुरू करेगा। बी 20 मीटर दौड़ चुका है तब ए दौड़ना शुरू करेगा, इसका मतलब यही होता है। क्वेश्चन में लिखा रहता है, क्वेश्चन में लिखा रहता है, ठीक है। इसी तरह रहेगा कि इन ए रेस, अरे यार कुछ वाईफाई में फ्लक्चुएशन है आज।
चलिए लिखे हैं, थोड़ा वाईफाई आज फ्लक्चुएट कर रहा है. इन ए रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 5 सेकेंड. फिर वही चीज है, शुरुआत दे देना. तो बी जब 5 सेकेंड दौड़ लिया, देन ए विल स्टार्ट रनिंग, देन ए विल स्टार्ट रनिंग. तो इन ए रेस ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ, मतलब शुरुआत दे देना. बी जब 5 सेकेंड दौड़ जाता है तब ए दौड़ना शुरू किया. ये सब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह रहता है, इसको लिख लें. फिर इसके आगे कुछ और रहता है कि इन ए रेस ए कैन गिव बी 20 मीटर, मतलब एक दौर में ए बी को दे सकता है, दे सकता है. इन ए रेस ए कैन गिव बी 20 मीटर, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी से 20 मीटर आगे है, या इसका मतलब हुआ कि ए बी से 20 मीटर आगे है, आगे है. ठीक है, इसका मतलब ए बी से 20 मीटर आगे है. फिर रहेगा कि इन ए रेस ए कैन गिव बी 10 सेकेंड, मतलब ए बी से 10 सेकेंड आगे है. इसका मतलब ये होता है इन ए रेस ए बी को 10 सेकेंड दे सकता है, इसका मतलब ए बी से 10 सेकेंड आगे है. तो ये सब कुछ टर्म है रेस में जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा. ठीक है, तो एक दौर में ए बी को 20 मीटर दे सकता है, मतलब ए बी से 20 मीटर आगे है. एक रेस में ए बी को 10 सेकंड दे सकता है, मतलब ए बी से 10 सेकंड आगे है. इसका मतलब ये होता है. अब कुछ क्वेश्चन हम रेस पे करते हैं. आई होप आप लिख लिए. कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं. फिर से वाईफाई प्रॉब्लम है. वेट वेट. चलिए आप क्वेश्चन देखें. ये क्वेश्चन है, फटाफट लिखें क्वेश्चन को. बिना 20 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है और अजय उतनी ही दूरी 25 सेकेंड में. 100 मीटर के दौड़ में बिना अजय को कितनी दूरी से मात देगा. तो ये क्वेश्चन देखो बहुत आसान सा है. मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को. कोई भी 100 मीटर का, ओहो
क्या हो रहा है? किसी ने आंसर दिया मुझे लगता है, राहुल साहू। करेक्ट आंसर आपका राहुल। आज मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है स्क्रीन शेयर करने में। यस ऐशु भारद्वाज, वाईफाई में इशू है, मैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, वेट करना। अभिषेक मौर्य, ठीक है तुम्हारा आंसर। सुमन कुमारी, तुम्हारा आंसर सही नहीं है। बाजुरा खातून, आपका भी सही नहीं है। गजेंद्र उज्जैनिया, सही है आपका। दीपक कुमार, आपका भी सही है। मेघा शर्मा, आपका सही नहीं है। संदीप राज, आपका सही है। जफर शरीफ, आपका सही नहीं है। चलिए मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं क्या है। कुशल वाजपेयी, सही है आपका। देखो क्या है कि बिना 20 सेकेंड में 100 मीटर दौड़ता है और अजय उतनी ही दूरी 25 सेकंड में। 100 मीटर के दौड़ में विनय अजय को कितनी दूरी से मात देता है? दूरी पूछा है, दूरी दूरी पूछा गया है। तनु भारती, करण कुमार सही है। डॉली कुमारी, आपका भी सही है। तो देखो विनय 100 मीटर दौड़ जाता है कितना समय में? 20 सेकेंड में। आप ये पता करो कि अजय 20 सेकेंड में कितना दौड़ेगा। अजय तो 100 मीटर 25 सेकेंड में दौड़ता है, तो स्पीड ऑफ अजय क्या है? 100 बटे 25 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड। तो अजय 20 सेकेंड में कितना दौड़ेगा? तो 20 गुना 4 80 मीटर। तो अजय कितना दौड़ा? 80 मीटर। तो बिना 20 सेकेंड में फिनिश लाइन में पहुंच गया और अजय 20 मीटर पीछे रह गया, अजय यहीं पर रह गया। इसका मतलब क्या हो गया कि बिना अजय को 20 मीटर से मात देता है, 20 मीटर से मात देता है विनय अजय को, 20 मीटर से मात देता है। वेट करना। वेट। अरे यार,
वेट वेट, ये है देख लो सब लोग, देखो बिना 20 सेकंड में दौड़ जा रहा है और 20 सेकंड में अजय कितना दौड़ेगा, तो देखो अजय का जो स्पीड है 100 मीटर 25 सेकंड में दौड़ता है तो उसका स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है, तो अजय 20 सेकंड में 80 मीटर ही दौड़ पाता है, मतलब बिना से 20 मीटर पीछे रह जाता है, तो बिना अजय को 20 मीटर से मात देगा। ठीक है तो लिख ले सब लोग, ये दूसरा क्वेश्चन है, आप इसको करने की कोशिश करो। श्याम 100 मीटर की दौड़ में 1.66 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ता है, यदि श्याम सुजीत को 4 मीटर का स्टार्ट देता है तब भी उसे 12 सेकेंड से मार देता है, तो सुजीत की गति बताएं। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे 1.66 को ले लेना 1/2/3, सॉल्व करोगे तो ये 5/3 मीटर पर सेकेंड आएगा, ये ले लेना। रॉकी भाई लगता तुम पहली बार क्लास में आओ क्या, मैंने पहले ही बताया मैग्रो हिल की किताब है, मैग्रो हिल से प्रैक्टिस कर सकते हो, मैग्रो हिल का सीसेट एक किताब आता है, रॉकी, रॉकी ओरिजिनल नाम लिखो, रॉकी क्या नाम लिखे हो तुम अपना, मैग्रो हिल का सीसेट एक किताब आता है। सब लोग बताएं, चलो स्टॉप राइटिंग, किसी का आंसर है मैं बता रहा हूं, स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। देखें 100 मीटर की दौड़ में 1.66 मीटर पर सेकेंड गति से दौड़ता है, यदि श्याम सुजीत को 4 मीटर का स्टार्ट देता है तब भी उसे 12 सेकेंड से मात देता है, सुजीत की गति बताएं। अभिषेक मौर्य काफी क्लोज हो तुम आंसर के, तो देखो आप ये 100 मीटर है ना, राहुल साहू तुम्हारा करेक्ट है, ठीक है, तो श्याम सुजीत को 4 मीटर का स्टार्ट देता है, ये सुजीत यहां पे है, मतलब शुरुआत में 4 मीटर सुजीत आगे है, श्याम अभी यहीं पे है। अब श्याम किस स्पीड से दौड़ता है, 5/3 मीटर पर सेकेंड, तो श्याम को 100 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, तो यहां पर मैं निकाल देता हूं टाइम टेकन बाय श्याम
सॉस को 5/3 एसपी से डिवाइड करो, ये 300/5 सेकेंड, मतलब ये 60 सेकेंड आएगा। क्या आएगा? 60 सेकेंड। तो श्याम 60 सेकेंड में दौड़ता है 100 मीटर, और दिया ये है कि सुजीत जो है श्याम यहां पहुंच गया तो आफ्टर 12 सेकेंड सुजीत पहुंचेगा, है ना। अब आफ्टर 12 सेकेंड सुजीत पहुंचेगा तो सुजीत को तो 4 मीटर का स्टार्ट है, तो सुजीत को दौड़ना कितना है? सुजीत को दौड़ना है 96 मीटर। तो सुजीत श्याम 100 मीटर दौड़ा 60 सेकेंड में, सुजीत 96 मीटर दौड़ रहा है 60+12 72 सेकेंड में। तो सुजीत का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ सुजीत क्या होगा? 96 मीटर दौड़ा है 72 सेकेंड में, इतना मीटर पर सेकेंड, 24.3 जा 24.4 जा, ये आया 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो सुजीत का स्पीड क्या हो गया? 1.33 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सुजीत को स्टार्ट है 4 मीटर का, श्याम को 100 मीटर दौड़ना है, श्याम तब स्टार्ट किया, सुजीत को 96 मीटर ही दौड़ना है, श्याम 100 मीटर दौड़ता है 60 सेकेंड में, क्योंकि श्याम का स्पीड पता है, और सुजीत 96 मीटर दौड़ता है 60+12 सेकेंड, मतलब 72 सेकेंड में। तो सुजीत का स्पीड 96 मीटर दौड़ा 72 सेकेंड में, तो 96/72, और इसे क्या आ गया? 1.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर होगा, लिख लो इसको फटाफट। आई होप आप सब लिख लिए हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, शशि शर्मा 72 इसीलिए आया क्योंकि सुजीत श्याम के पहुंचने के 12 सेकेंड के बाद पहुंचता है, और देखो श्याम पहुंचता है, देखो यहां पे कितने सेकेंड में, 60 सेकेंड में, और सुजीत 60+12 72 सेकेंड में कितना दौड़ा? 96 मीटर। चलिए ये क्वेश्चन है, अब 500 मीटर की दौड़ में दो धावक विनय और श्याम के गति का अनुपात 3:4 है, यदि विनय के पास 140 मीटर का स्टार्ट है तो विनय कितने मीटर से श्याम को मात देगा? अब 3:4 दिया है गति का अनुपात, तो विनय का स्पीड ले सकते हो 3 मीटर पर सेकेंड, और श्याम का स्पीड ले सकते हो 4 मीटर पर सेकेंड। तो विनय का स्पीड ले लो 3 मीटर पर सेकेंड, हिंट है, और श्याम का स्पीड ले लो 4 मीटर पर सेकेंड, और करने की कोशिश करो। सब लोग करें,
पवन कुमार पांडे आपका आंसर नहीं सही है, आप लेकिन काफी क्लोज हो। लक्ष्मण कुमार, राहुल साहू, संदीप राज, आप सभी का आंसर सही है। अभिषेक मौर्य आपका सही है। अरे ध्रुव सर पे क्वेरी भेजो और आंसर भेजो। दीपक कुमार नहीं सही है आपका। करण कुमार नॉट करेक्ट। मोहम्मद फैजल नॉट करेक्ट। रोहित कुमार रंजन नॉट करेक्ट। विष्णु दयाल नॉट करेक्ट। अमित कुमार, दीपक शर्मा, गजेंद्र उज्जैना नॉट करेक्ट। उजानिया, अमित कुमार रांची नॉट करेक्ट। कुशल वाजपेयी नॉट करेक्ट। रोहित कुमार रंजन नॉट करेक्ट। तनु भारती तुम्हारा आंसर करेक्ट है। प्लीज अपना आंसर ध्रुव सर वाले में भेज दो। वैष्णवी शर्मा नॉट करेक्ट। दीपक कुमार अब आपका करेक्ट है। राजीव रंजन ओराव नहीं करेक्ट है। आशुतोष उपाध्याय नॉट करेक्ट। बार बार बोल रहा हूं ध्रुव सर वाले भेजो। अनुज कुमार नॉट करेक्ट। तनु भारती सही है, मैं बता चुका हूं। आशुतोष उपाध्याय करेक्ट है आपका। गुलाम मुर्तजा अंसारी करेक्ट वन। चलिए स्टॉप, मैं ये बता रहा हूं अब, स्टॉप राइटिंग। इसका आंसर है 20 मीटर। इसका आंसर है 20 मीटर। देखो स्पीड ऑफ विनय कितना है, तो 3 मीटर पर सेकंड, एंड स्पीड ऑफ श्याम 4 मीटर पर सेकंड लेना है, क्योंकि 3:4 दे रखा है। अब है विनय के पास 140 मीटर का स्टार्ट है, मतलब शुरुआत विनय 140 मीटर से किया, ये आगे है। श्याम अब स्टार्ट करेगा चलना यहां से। विनय को कितना दौड़ना है, 360 मीटर, और श्याम को पूरा ही दौड़ना है 500 मीटर। देखो विनय को 360 मीटर दौड़ने में कितना समय लगता है ये पता कर लो, और उतने समय में श्याम कितना दौड़ता है ये पता कर लो, तो पता चल जाए कि कौन कितना मीटर से हारा। तो विनय को 360 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा, विनय का स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है, तो 360/3 120 सेकंड में विनय पहुंच जाएगा यहां पर, और श्याम 120 सेकेंड में 120, और श्याम का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना दौड़ेगा 480 मीटर, मतलब वो 500 मीटर नहीं दौड़ पाएगा, तो विनय से कितना पीछे रहेगा, 20 मीटर पीछे श्याम रह जाएगा, मतलब विनय श्याम को 20 मीटर से मात देता है, हराता है। ठीक है, तो आंसर क्या आया, 20 मीटर, विनय श्याम को 20 मीटर से हराता है। आई रिपीट अगेन, विनय को 140 मीटर का स्टार्ट है, शुरुआत मिला हुआ है,
श्याम को 500 मीटर दौड़ना है, विनय को 360 मीटर दौड़ना है। विनय 360 मीटर दौड़ने में 360/3 120 सेकंड लगाता है विनय, और 120 सेकंड में श्याम 120 × 4 480 मीटर ही दौड़ पाता है। तो 500 दौड़ नहीं पाया, 20 मीटर पीछे रह गया, तो विनय श्याम को 20 मीटर से मात देता है। आई होप आप समझ रहे हैं, इसको लिख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक दे रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन है, इसको करें। 100 मीटर की किसी दौड़ में ए बी को 10 मीटर की मात देता है और सी को 13 मीटर की मात देता है। 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितना मीटर से मात देगा? सिंपल रिदमेटिक, एक एक नियम यूनिटरी मेथड लगाना है। सिंपल एक एक नियम से बनेगा ये। चलिए मैं एक हिंट देता हूं, यहां पे ए लिख लो, यहां पे बी लिख लो, यहां पे सी लिख लो, ठीक है? अभिषेक मौर्य, कुशल वाजपेयी, सही आंसर आपका। ए 100 मीटर दौड़ता है, संदीप राज सही नहीं आपका, चंदन कुमार करेक्ट। बी 90 मीटर ही दौड़ेगा क्योंकि 10 मीटर से हराता है बी को, और सी कितना दौड़ेगा? 87 मीटर। अब बोलता है 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा? देखो यहां पे बी जब 90 मीटर है तो सी 87 मीटर है, जब बी 180 मीटर होगा दौड़ेगा तो सी कितना, यही तो पता करना है, आपको आंसर पता चल जाएगा। ध्रुव सर वाले में आंसर भेजो, कितनी बार बोलूं दीपक, गलत है आपका। तनु भारती, नॉट करेक्ट। राहुल साहु, तुम दो दो आंसर निकालो भाई, इसमें तो एक ही पूछा है। लक्ष्मण कुमार करेक्ट आंसर, गुलाम मुर्तजा अंसारी, सुजीत कुमार, संदीप राज, संदीप राज करेक्ट आंसर, तनु भारती आपका सही नहीं है, शिल्पा कुमारी करेक्ट, सैमुल खाल को नॉट करेक्ट, डॉली तुम्हारा सही है, राजीव रंजन ओराव, मयंक मनोहर, मीनाक्षी, आशुतोष उपाध्याय, हर्षिता आप सबका करेक्ट है, दीपक कुमार आपका भी करेक्ट है। पवन कुमार पांडे आपका भी करेक्ट है। जफर शरीफ, अभिषेक कुमार करेक्ट वन, प्रमोद आपका सही नहीं है,
चलिए मैं बता रहा हूं, ये विष्णु दयाल हर्षिता करेक्ट है, बट ध्रुव सर पे आंसर भेजो। देखो ये तो आपको दिख गया कि ये जब 100 मीटर दौड़ता है, निशा कच्छाप आपका भी सही है, आप कंसंट्रेट करें, 6 मीटर इसका आंसर है, 6 मीटर, क्योंकि ए 100 मीटर तो बी 90 मीटर और सी 87 मीटर, ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब अगर बी 180 मीटर दौड़ता है तो सी कितना, एक एक नियम लगाओ, सी लगेगा 87 बाई 90 इंटू 180, 92 जा 180, 2 इंटू 87 कितना हो जाएगा 174 मीटर, मतलब बी जब 180 मीटर दौड़ता है तो सी 174 मीटर, तो कितना का डिफरेंस है दोनों में, 6 मीटर का, तो कितने से मात देता है बी सी को, तो बी सी को 6 मीटर से मात देता है, यही आंसर है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से देखो क्वेश्चन में क्या है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 10 मीटर से मात देता है और सी को 13 मीटर से मात देता है, तो ये जब 100 मीटर दौड़ा तो बी 90 मीटर और सी 87 मीटर दौड़ा। अब पूछता है कि 180 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से मात देगा, तो बी 90 तो सी 87, बी 1 तो सी 87 बाई 90, बी 180 तो सी कितना 87 बाई 90 इंटू 180 174 मीटर, तो कितने से हार गया सी, 6 मीटर से, किससे हारा तो बी से। आई होप आपको समझ में आया होगा। चैट आ रहा है ध्रुव सर पे, विष्णु दयाल इतने सारे आ रहा है, बहुत सारा चैट आ रहा है, आई होप सब लिख लिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करें। ये बिलियर्ड्स के खेल में ये रेस की तरह ही है, पॉइंट को आप मीटर समझे, पॉइंट को आप मीटर समझे। ओके हर्षिता, ये जूम का प्रॉब्लम हो सकता है। अरे मोहम्मद फैजल, 180 मीटर बी दौड़ा तो सी 174 मीटर, तो डिफरेंस कितना है भाई, 180 और 174 का 6 मीटर का डिफरेंस है, यही था ना तुम्हारा, 180 और 174 दिख रहा ना, 180 और 174 डिफरेंस कितना है, 6 मीटर का। ये क्वेश्चन है अभी बिलियर्ड्स आप रेस की तरह समझे, बिलियर्ड्स स्नूकर समझते होंगे, यहां पॉइंट मतलब मीटर। बिलियर्ड्स के खेल में ए बी को 60 पॉइंट में 15 पॉइंट दे सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को 15 पॉइंट से हराता है, या ए बी से 15 पॉइंट से आगे है, ये भी है। ए सी को 60 पॉइंट 20 पॉइंट दे सकता है, मतलब ए सी से 20 पॉइंट आगे है, और 90 पॉइंट एक खेल में क्वेश्चन है, बी सी को कितने पॉइंट दे सकता है, मतलब बी सी को कितने पॉइंट से हरा सकता है या आगे हो सकता है। गुलाम मुर्तजा अंसारी करेक्ट है आपका, गजेंद्र उज्जैनिया करेक्ट है, लक्ष्मण कुमार करेक्ट वन, अभिषेक मौर्य नॉट करेक्ट, राहुल साहू करेक्ट है, संदीप राज अपना आंसर भेजो। बाजूरा खातून करेक्ट है, चंदन कुमार करेक्ट है, अमित कुमार रांची नॉट करेक्ट, संदीप राज करेक्ट है बट मीटर नहीं पॉइंट, मीनाक्षी करेक्ट है, अभिषेक मौर्य करेक्ट है, विष्णु दयाल नहीं करेक्ट है,
कुशल बाजपेयी, दीपक कुमार करेक्ट है आपका, करण कुमार नॉट करेक्ट, राजीव रंजन ओराव नॉट करेक्ट, मेघा शर्मा करेक्ट है, तनु भारती करेक्ट है, हर्षिता करेक्ट है, जफर शरीफ, आशुतोष उपाध्याय नॉट करेक्ट, कविता करेक्ट है, शिल्पा कुमारी, आशु भारद्वाज करेक्ट, सुजीत कुमार नॉट करेक्ट। चलिए स्टॉप राइटिंग नाउ, मैं बता रहा हूं इसका आंसर है 10 points, इसका आंसर है 10 point। हिमांशु पोरवाल नॉट करेक्ट, इसका आंसर है 10 point, मैं बता रहा हूं। देखो यहां लिखो, जस्ट ए मिनट, ए बी को 60 point, 15 point दे सकता है, मतलब यहां ए लिखा यहां बी लिखा, ए को अगर 60 point है तो बी को 45 point है, ए बी से 15 point आगे, और फिर ए सी को 60 point 20 point दे सकता है, मतलब ए सी से 20 point आगे, तो सी को मतलब 40 point है, यही है इसका मतलब, यही है ए बी को 60 point 15 point दे सकता है, मतलब ए बी से 15 point आगे, तो ए अगर 60 point तो बी 45 point, ए सी को 60 point 20 point दे सकता है, मतलब ए 60 point और सी 40 point, ए सी से 20 point आगे। अब क्या पूछता है क्वेश्चन, 90 point के खेल में बी सी को कितने पॉइंट दे सकता है, देखो सिंपल है, यहाँ पे बी अगर 90 होगा सी कितना होगा 40/45×9, एक एक नियम लगाया यूनिटरी मेथड, 45 से 90 काटो दो से कट जाएगा, 40×2 कितना आया 80 points, मतलब सी को 80 points जब बी को 90 points है, तो बी कितना आ गया है सी से 10 point, तो क्या दे सकता है बी सी को 10 point, और यही आंसर है। आई होप आप समझ रहे हैं। सब लोग लिख लो, तो ये था रेस के बारे में जरूरत जो था, जितने तरह का क्वेश्चन आपको जानना चाहिए मैंने बताने की कोशिश किया मोस्टली। अब ये चैप्टर खत्म होता है, अब मैं इंपॉर्टेंट चीज शुरू कर रहा हूं रीजनिंग का, काफी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो वो है एनालिटिकल रीजनिंग, लिख लें आप लोग एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था इसको एनालिटिकल एबिलिटी भी बोलते हैं, एनालिटिकल एबिलिटी भी बोलते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट, डॉली कुमारी आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 10 question तो रहेगा, 10 question इंपॉर्टेंट है, ये मिस नहीं होना चाहिए, सिटिंग अरेंजमेंट या सिंपली अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था संबंधी प्रश्न आएगा। नेक्स्ट है कॉम्पेरिजन ऑफ रैंक्स, कॉम्पेरिजन ऑफ रैंक्स, ठीक है, क्रम की तुलना, क्रम की तुलना, क्रम की तुलना, अरे शशि शर्मा पीछे ही छूट गया, तुम अभी पूछ रहा है, वेट करना, क्या था फिर से बता दो भाई, यही तो था, ए को 60 point, बी को 45 point, सी को 40 point, जब बी को 90 point होगा तो सी को कितना होगा 40/45×90, 80 point,
बीसी से कितना आ गया 10 पॉइंट, यही तो बीसी को कितना दे सकता है 10 पॉइंट, यही तो था शशि शर्मा। चलिए हम लोग कहां पे थे, एनालिटिकल रीजनिंग पे। मैंने बोला कि सिटिंग अरेंजमेंट या सिंपल सिटिंग अरेंजमेंट का ज्यादातर क्वेश्चन होता है वैसे अरेंजमेंट का रहता है। अरेंजमेंट मतलब 10 लेक्चर को अरेंज करना है, 10 बुक्स को अरेंज करना है, ये सब भी हो सकता है क्वेश्चन में। फिर है कॉम्पेरिजन ऑफ रैंक, क्रम की तुलना। फिर है ब्लड रिलेशन, बेस्ट क्वेश्चन। रिश्ता संबंधी, रिश्ता संबंधी क्वेश्चन। और चौथा इसमें है पजल। दीपक शर्मा, टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन 25 के आसपास होंगे, 25 के आसपास। पजल टेस्ट, पजल्स ये हो गए। अब मैं कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं। सिटिंग अरेंजमेंट में सिर्फ बैठने की व्यवस्था तो है ही, सिंपल अरेंजमेंट हो सकता है, लेक्चर्स का अरेंजमेंट, किसी बहुत सारे बुक्स का अरेंजमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। क्रम की तुलना, रिश्ते, ब्लड रिलेशन, रिश्ता संबंधी क्वेश्चन, पजल्स, ये सब रहेगा। कुछ बेसिक बातें मैं बात कर रहा हूं। बेसिक बातें ये है कि क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशंस होते हैं, इंफॉर्मेशंस बोलो या कंडीशंस दिए रहते हैं किसी भी में भी, जितना मैं चार टाइप का लिखाऊं किसी में भी। अल्फाबेटिकल से रॉकी कुछ होता नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग में यूज करते हैं, वो बताएंगे हम आगे, अभी अभी इसको पढ़ लो। तो इंफॉर्मेशन या कंडीशन दिया रहता है, तुम्हारे पास क्वेश्चन में 4 और 5 या मोर ज्यादा इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तुम्हारा काम है, जैसे मान लो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5 इंफॉर्मेशन है एक सिटिंग अरेंजमेंट का, 6 फ्रेंड का, एबीसीडी का, है ना। तो मान लो पहला कंडीशन जो है ए और बी के बीच में दिया है, फिर डी और ई के बीच में दूसरा दे रखा है, फिर बी एंड सी के बीच में दे रखा है, फिर मान लो ई और एफ के बीच में है, और फिर मान लो एफ और ए के बीच में, ये 5 इंफॉर्मेशन है। अब सबसे पहले मैं बताऊं, 3 तरह का इंफॉर्मेशन होता है। एक इंफॉर्मेशन जिसमें तुम कुछ डेफिनेट इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, जो डेफिनेट इंफॉर्मेशन जो होता है उसको बोलते हैं क्लू। क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंफॉर्मेशन को बोलते हैं, मैं क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं, क्लू, क्लू है ये। डेफिनेट इंफॉर्मेशन खोजना है जिसको हम लोग क्लू बोलते हैं। जैसे 5 इंफॉर्मेशन है, ए से लेके एफ, 6 फ्रेंड का अरेंजमेंट का क्वेश्चन, और 5 इंफॉर्मेशन है। अब 5 तो डेफिनेट नहीं होगा। अब देखो कि इसमें डेफिनेट क्या है। मैंने बताया इंफॉर्मेशन 3 तरह से दिया जाता है, एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन वाला, एक जिसमें कोई भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, और तीसरा जो ऑप्शन से ही क्वेश्चन बनेगा उसमें इंफॉर्मेशन डेफिनेट नहीं होता है, ऑप्शन यूज करते हैं, जो ऑप्शन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो आंसर होता है। तो पहले, सबसे पहले हम डेफिनेट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो मान लो कि इस 5 इंफॉर्मेशन में ये ई और एफ वाला इंफॉर्मेशन डेफिनेट है ना। तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करेंगे। इसका जो भी इंफॉर्मेशन है हम एक डायग्राम में डाल देंगे। अब अगला कौन सा इंफॉर्मेशन खोजेंगे जो या तो ई से रिलेटेड हो या एफ से रिलेटेड हो, तो या तो हम ये यूज करेंगे या तो ये यूज करेंगे। तो जैसे मान लो हम ये यूज करते हैं, 5वां एफ और ए के बीच में है, तो अगला कौन सा यूज करेंगे जो एफ या ए से रिलेटेड होगा। तो देखो ये पहला ए से रिलेटेड, इसको यूज कर लेंगे। ए और बी से है तो अगला हम खोजेंगे बी से रिलेटेड कौन सा है, तो 3rd इंफॉर्मेशन है। इस तरफ बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जिस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन डेफिनेट हो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर ई और एफ के बीच में था, अगला कौन सा यूज करेंगे जो ई से रिलेटेड हो या एफ से, तो मैंने 2 यूज किया डी और ई वाला, उसका अगला कौन से यूज करेंगे, मान लो तो डी वाला कोई दिखता है नहीं, तो इसको हम छोड़ दिए, हम एफ और ए वाला ले लिए।
अब ए फॉर ए है तो ए से रिलेटेड कौन सा दिखा, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन लगा, ए और बी का अगला इन्फॉर्मेशन, बी और सी का, ऐसे हम बढ़ते जाते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्मेशन मिलते जाता है। तो इस तरह से आपको अटेम्प्ट लेना है। ये अटेम्प्ट कब लोगे, जहां पे डेफिनेट इन्फॉर्मेशन है, क्लू है। अब कुछ ऐसा भी क्वेश्चन होगा, कोई भी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसमें फर्स्ट इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट कर दो, जितने पॉसिबिलिटी बनता है बनाते चले जाओ डायग्राम में, अंत में एक दो पॉसिबिलिटी बचेगा जो सारे इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा, बाकी नहीं। ठीक है, तो मैं बोला कि जिसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है, तो आप फर्स्ट कंडीशन से स्टार्ट करो, जितने पॉसिबिलिटी बनता है बनाओ, और लास्ट में एक दो पॉसिबिलिटी बच जाता है जो सारे इन्फॉर्मेशन को सेटिस्फाई करता है, उसको रखेंगे, बाकी को हम हटा देंगे। ये दूसरे तरह का क्वेश्चन होगा। तीसरा ये होगा कि इन्फॉर्मेशन से नहीं बनेगा, ऑप्शन से बनेगा, हम उस ऑप्शन को चूज करेंगे जो क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ये तीन तरह का ही रहता है, एक जिसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो वहां से स्टार्ट करेंगे, दूसरा जिसमें डेफिनेट इन्फॉर्मेशन हो सारे पॉसिबिलिटी बनाएंगे, अंत में एक दो पॉसिबिलिटी बच जाता है जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तीसरा ऑप्शन के हेल्प से करते हैं, वो ऑप्शन सही आंसर होगा जो क्वेश्चन के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यही तीन तरह का चीज हम यूज करेंगे अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में, रैंकिंग में, ब्लड रिलेशन में, पजल में, सब जगह ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन में बाजुरा खातून क्वेश्चन देख के पता चल जाता है, आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैं बता भी दूंगा क्वेश्चन देख के। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन खुद से करके बताऊंगा। अब क्वेश्चन का जो वर्डिंग है उसको भी देखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से निश्चित तौर पे कौन सा सही है, तो निश्चित तौर से कौन सा सही है, तो आपको डेफिनेट आंसर खोजना पड़ता है, या रहेगा इनमें से कौन सा विकल्प सही हो सकता है, तो आपको पॉसिबिलिटी सर्च करना है। तो आप क्वेश्चन का फ्रेमिंग भी, वर्ड भी देखें, इनमें से निश्चित तौर पे कौन सा हो सकता है, तो आपको डेफिनेट ऑप्शन खोजना है। अगर क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सा हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी सर्च करना है, कोई पॉसिबिलिटी क्या होगा। ठीक है, पॉसिबिलिटी कभी डेफिनेट नहीं होता है, तो ऑप्शन में जो पॉसिबिलिटी दिखता है वो आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको आंसर भी देखना, क्वेश्चन भी देखना होता है कि क्वेश्चन का वर्डिंग क्या है। कोई बात नहीं दीपक शर्मा, ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, तो मैंने बताया कि क्वेश्चन के वर्डिंग को भी ठीक से पढ़ना है, कि विकल्प में निश्चित खोजना है या पॉसिबिलिटी खोजना है। ठीक है विवेक, सब बता देंगे भाई, घबराओ मत, सब बता देंगे। अब आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हम अरेंजमेंट के बारे में बता रहे हैं, बैठने की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था वाला क्वेश्चन, और डिफरेंट क्वेश्चन भी, डिफरेंट अरेंजमेंट भी, डिफरेंट अरेंजमेंट वाला भी। देखो बैठने की व्यवस्था पहले हम बात कर लें, बैठने की व्यवस्था में दो तरह से होता है, या तो एक लाइन में बैठ जाएगा, या एक वृत्ताकार टेबल के अराउंड बैठ जाएगा, या एक आयताकार टेबल के अराउंड बैठ जाएगा, वो अलग होता है। तो बैठने की व्यवस्था अगर एक लाइन में बैठ रहा है, तो सबसे पहले ये देखो कि जो चेहरा का डायरेक्शन किस ओर देख रहा है, सब नॉर्थ की ओर या साउथ की ओर या पूरब की ओर या पश्चिम की ओर, ये डायरेक्शन देखना बहुत जरूरी है। अब किसी क्वेश्चन में लिखा रहता है कि सब पश्चिम की ओर देख रहे हैं, या सब पूरब की ओर देख रहे हैं, या सब दक्षिण की ओर देख रहे हैं, या सब उत्तर की ओर देख रहे हैं, क्यों बोल रहा हूं ये पता करना जरूरी है, उससे आप बाएं दाएं पता कर पाओगे। पश्चिम देखना फिर बाएं दाएं, और पूरब देखना फिर बाएं दाएं, वो अलग होता है। तो सबसे पहले ये डिसाइड करना है किस ओर सब देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप मान के चलना कि नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ है किस ओर सब देख रहे हैं, तो आप मान के चलना कि नॉर्थ की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि जैसे सब पश्चिम, छह फ्रेंड है,
वो बैठ रहा है एक कतार में और सब पश्चिम साउथ की ओर दक्षिण की ओर देख रहे हैं। आपको पता ही होगा ये चीज, नॉर्थ साउथ, एक मिनट जस्ट ए मिनट जस्ट ए मिनट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब छह फ्रेंड है सब साउथ की ओर देख रहा है, 3, 4, 5 और 6, ये साउथ की ओर देख रहा है। अब मान लो बी बाएं से दूसरे स्थान पे है, तो अपने आप को प्लेस कर लो, तो बाएं से दूसरे स्थान पे मतलब बी कहां पे है, यहां पे है, क्योंकि सब दक्षिण की ओर देख रहा है। अपने आप को प्लेस करके अपना आप, सॉरी मैं बोला बाएं से नहीं, बाएं से दूसरे स्थान, ठीक है बाएं से दूसरे स्थान में सही है, क्योंकि ये लेफ्ट है और ये राइट है, क्योंकि सब दक्षिण की ओर देख रहा है। तो अपने आप को प्लेस कर लो और फिर देखो बाएं किधर है और दाएं किधर है। तो मैंने बोला कि बी बाएं से दूसरे स्थान पे, तो ये पोजीशन है बी का, ठीक है। अब हो सकता है बी के दाएं, बी के राइट थर्ड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में तीसरे स्थान में डी है ये, और इसमें क्या अंतर जानो, बी से राइट थर्ड पोजीशन में डी है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, तो बी के राइट, बी के दाहिने तीसरे पोजीशन में डी है, बी के दाहिने, तो देखो यहां बी के दाहिने तीसरा, 1, 2, 3 डी यहां पे है, बी के राइट थर्ड पोजीशन में डी है, तो बी वाले पोजीशन को छोड़ के दाहिने 1, 2, 3 डी यहां पे है। लेकिन आगे है बी से राइट थर्ड पोजीशन में डी है, इसका मतलब क्या है समझो, बी से राइट थर्ड पोजीशन में डी है, तो बी से मतलब बी वाला पोजीशन भी काउंट होगा, 1, 2, 3 डी यहां पे है। ये समझे आप, के और से में अंतर होता है, के वाले में बी के पोजीशन को छोड़ देना है, से वाले में बी को पोजीशन को रखना है, काउंट करना है, ठीक है। तो बी के राइट थर्ड पोजीशन में डी है, तो बी के पोजीशन को छोड़ के 1, 2, 3 बी से, तो ये काउंट करना है 1, 2, 3 ये सब काउंट करना है, ये ध्यान रखना। तो मैंने क्या बताया कि किस ओर देख रहा है उसी अकॉर्डिंग बाएं और दाएं, अपने आप को प्लेस करके बाएं और दाएं देखे। के और से में क्या अंतर वो बता दिया मैंने, के में उस पोजीशन को काउंट नहीं करना है, से में उस पोजीशन को काउंट करना है जहां से शुरुआत है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब लिख लें आप। ये भी बताया था कि क्वेश्चन में अगर डायरेक्शन किस ओर देख रहा है नहीं पता है, आप मान के चले कि नॉर्थ की ओर देख रहा है। ये मैं सिटिंग अरेंजमेंट बैठने की व्यवस्था की बात कर रहा हूं मैं। लिख लें फटाफट। तो आज मैंने बताया कि जो भी इंफॉर्मेशन होगा एनालिटिकल रीजनिंग में, तीन तरह से हम अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जहां पे इंफॉर्मेशन डेफिनेट है वहां से स्टार्ट करते हैं और फिर रिलेटेड इंफॉर्मेशन की ओर चले जाते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन डेफिनेट नहीं है तो कहीं से हम स्टार्ट करते हैं, जितने पॉसिबिलिटी है डायग्राम में बना लेते हैं, फिर अंत में 1-2 पॉसिबिलिटी बच जाता है जो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करे, बाकी हम हटा देंगे। तीसरा ऑप्शन से बनता है, हम उस ऑप्शन को चूज करते हैं जो क्वेश्चन के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ये तीन तरह का क्वेश्चन रहेगा, पूरे एनालिटिकल रीजनिंग की बात कर रहा हूं। फिर बताया क्वेश्चन पढ़ने वक्त आप देखो कि
आपको निश्चित विकल्प खोजना है या पॉसिबिलिटी वाला खोजना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैं अरेंजमेंट शुरू किया, उसमें सिटिंग अरेंजमेंट की बात किया। जब एक कतार में बैठता है, एक लाइन में बैठता है, तो आपको ये देखना है कि किस डायरेक्शन में सब देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, साउथ देख रहे हैं, ईस्ट देख रहे हैं, वेस्ट देख रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप बाएं और दाएं लेते हो, है ना। कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है, किस ओर मुंह करके बैठे हैं, तो आप मान के चलोगे कि नॉर्थ की ओर मुंह करके बैठे हैं। फिर के और से में क्या अंतर, वो बताया। के में उस पोजीशन को काउंट नहीं करते जहां से स्टार्ट होता है, से में उस पोजीशन को भी काउंट करते हैं, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही, आगे फिर मैं बताऊंगा वृत्ताकार सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या करते हैं, वो बताने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, और फिर अरेंजमेंट डिफरेंट ढंग का लेक्चर वगैरह का जो भी होगा वो अरेंजमेंट का हम क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू फॉर टूडे, थैंक यू फॉर टूडे, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू फॉर टूडे, थैंक यू हर्षिता, थैंक यू। थैंक यू पवन, निशा, सैमुल खालको, थैंक यू, थैंक यू। प्रियंका वर्मा बताएंगे राउंड टेबल वाला अगली क्लास में, घबराओ मत। जनरल अरेंजमेंट की बात करेंगे, जहां पर सिटिंग अरेंजमेंट ना होता है, जनरल अरेंजमेंट ऑफ लेक्चर्स, बुक्स, कुछ भी। ओके, थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू, थैंक यू राजीव रंजन, फैजल, थैंक यू। सो थैंक यू फॉर टुडे। रोहित कुमार उजन भाई, गुलाम मुर्तजा, थैंक यू। सो थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू गौरव।